ये आलू के पराठे मम्मा ने बनाए थे दही के साथ, और मैंने खाए, विहान ने एक भी नहीं खाया, नहीं खा रहा, पता नहीं 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा है, खाना सॉलिड फूड नहीं खा रहा है। क्या हो गया लाडो? नानू चले गए? हाँ क्या हो गया? आज कुछ आज भी लाडो? मम्मी के घर जा रही थी, देखा ताला लगा हुआ है। एक्चुअली पैसे देने थे, 3,000 रुपए थे, दूध का जो बिल है वो देना था, साथ में ये मेंटेनेंस मम्मी ऑफिस में जाके भर आएंगे, मेरे घर आएंगे अभी थोड़ी देर में, तब दे दूंगी मैं ना जो सुबह के बर्तन होते हैं ना और दोपहर के बर्तन, जैसे खाना वाना बनाते हैं, वो मैं शाम को जब फ्री होती हूँ 7-1 बजे तब वॉश कर लेती हूँ। तो रात को मैं सारी किचन अच्छे से अपनी क्लीन करके साफ करके तैयार करके छोड़ती हूँ, ताकि सुबह ना टाइम ना ख़राब हो, वरना फालतू में बर्तन तो मैं रात को ही धो लेती हूँ। तो ये बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने सोचा फटाफट मैं इनको धो देती हूँ। और कल 2 दिन से विहान ने ना सॉलिड फूड नहीं खाया है, सुबह थोड़ा सा आधा आधा कांच का गिलास जूस दिया था, रात को वही आधा कांच का गिलास दूध पिया, बस बीच में कुछ नहीं खाया। मींस मुझे इतनी टेंशन हो जाती है विहान की कि ऐसा क्यों हो रहा है, 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा है। और फिर मेरे को लगता है कि क्या पता मेरे 10 दिन मैं भी बीमार रही हूँ, क्या पता विहान बीमार हो। एक्टिव है, खेल रहा है, अच्छे से घूम रहा है, फिर रहा है, बाकी सारी चीज़ें, बट खाना नहीं खा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतना कुछ बना बना के रख दिया, कभी हम कुछ बना रहे हैं, कभी आलू के पराठे बना दिए, चावल भी बना दिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि मतलब ये सोचे कि हाँ बच्चे को पसंद है ना आ रही हो। सब कुछ ट्राई करके देख लिया, खा ही नहीं रहा, मुंह तक नहीं लगाता है, बस लिक्विड लिक्विड डाइट थोड़ी सी ले रहा है। तो समझ ही नहीं आया 2 दिन से। कल तो मैं इतनी डर गई थी ना रात को, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है, क्योंकि जब से अभी आपने देखा है यूट्यूब पे जो हुआ है ना राजवीर भैया के साथ, उसके बाद तो मुझे और बहुत ज्यादा अपने बच्चे के लिए डर लगने लग गया। पापा जी मसाला डोसा लेकर आए हैं, अब फिर रात को कुछ नहीं बनेगा खाने में, वरना अभी मैं आटा गूंथ के परांठा बनाती। पापा जी और खाए बता रहे हैं कि बच्चे कितने ले आए, तो ये बल्कि 2 है ये, देखो ना, ओ माय गॉड कितना ले आए, 2 मसाला डोसा है। मैं सोच रही हूँ चलो क्या करें, एक काम करेंगे सांबर मैं नहीं खोलूंगी, मैं ऐसे फ्रिज में रखूंगी इसको, कल ना चावल के साथ यूज हो जाएगा, चटनी निकाल लेते हैं ये दोनों। एक चीज मैंने नोटिस करी है, इन्होंने ना जो इसको इस धागे से बांध रखा है, रबड़ यूज नहीं कर रखी दोनों में, इसमें भी धागे है, धागे से बांधा हुआ है और सही बंध रखा है एकदम। मैंने बस ये वाली जो चटनी है ना नारियल की, ये वाली मैंने निकाली है, ये मैं नहीं खोलूंगी, ये हम सुबह खा लेंगे, है ना, इसको बस निकाल देती हूँ क्योंकि गर्म पोलोथीन में है ना। ये सांबर है, गरम है अभी, और ये चटनी मैंने रख दी है सुबह के लिए, ये थोड़ी सी इसमें फिर भी मैंने निकाल ली है, काफी टेस्टी लग रहा है, यमी यमी सा। पापा जी तो कह रहे थे कि वो बाहर से ही खाना खा के आए हैं, और मेरे को उम्मीद थी कि चलो क्या पता विहान को घर का खाना पसंद ना आ रहा हो, ये तो खा लेगा मसाला डोसा, इसमें मिर्ची भी नहीं थी, बट ये भी नहीं खाया, मुंह भी नहीं लगाया, मतलब ये नहीं है कि मतलब पसंद नहीं आ रही कोई चीज़, देख ही नहीं रहा, हर कह देता है खाना नहीं खाना। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा, मैं ये बात बोल रही थी, डर सा लगने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे ना इसलिए डर नहीं लग रहा कि मतलब, क्योंकि ना यूट्यूब पे नज़र बहुत गंदी पड़ती है, एक बद्दुआओं का खेल चला रखा है, तो इस वजह से ना मेरे अंदर ना डर सा बैठ रखा है अपने बच्चे के लिए। थोड़ा सा भी बच्चा बीमार होता है, कुछ खाता पीता नहीं है ना, मेरे सच में घबराहट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और दूसरा सबसे एक डर मेरे दिमाग में बैठा रहता है कि जैसे इनके पापा थे विहान के, वो किडनी फेलियर से गए हैं, तो मेरे को हमेशा यही डर लगा रहता है मेरे बच्चा ठीक रहे, सही सलामत रहे, एकदम इसके सारे शरीर के अंग बिल्कुल सही काम करें, तो कभी 1-2 दिन ये खाना नहीं खाता ना, मैं डर जाती हूँ, ढंग से खाना नहीं खाता, मेरे अंदर घबराहट हो जाती है, मुझे लगता है क्यों नहीं खा रहा, मतलब अंदर से बॉडी में कोई नुकसान तो नहीं कर रहा, ये दवाइयाँ मैं इतनी दे रही हूँ इसको, कहीं शरीर पर असर ना कर जाए, बहुत डरती हूँ मैं विहान के लिए। कल ये बड़े वाले घर से सामान आया था, ये तो दीवान है, ये अलमारी है, ये एक मेज है, ये बड़ा मेज है, ये कूलर स्टैंड है, आई थिंक कूलर ऊपर जा चुका है, तो ये देख लीजिए, ये सामान आज लगाते होंगे पापा जी, ऊपर वाले घर में आ जाएगा, मेरे घर में तो देखो जगह नहीं है सामान रखने की कुछ भी,
तो ये भैया लेकर आए थे सामने वाले भैया विहान के लिए। मैंने कहा विहान को मैं दे ही देती हूँ। यहाँ से कितना अच्छा लगता है ना मेरा घर, ये जो ऊपर का ये एक बहुत बढ़िया लगता है, लुक बहुत अच्छी आती है घर की। अब तो सारी घर ऑलमोस्ट यहाँ भर गए हैं, सारे किराएदार आ गए, यहाँ भी आ गए। देखो किसी का ताला लग गया, ऊपर वाला भी भर गया। पापा जी खोलना खोलना दरवाजा। ये विहान आपके लिए आया है। और इधर ये आरओ भी आ चुका है सामने, टीवी क्या ऊपर ही इधर रखा हुआ है सामान। इधर भी काफी कुछ सामान आ गया, फ्रिज भी आ गया इधर, ये पहले वाला फ्रिज था ना हमारा। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद अभी रसोई में एंटर किया, बाल में कंघी ना खाना बनाने के बाद करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल फिर टूटते हैं ना, वो खाने में ना जाए ताकि, है ना। तो यहाँ मैं अभी सुबह के लिए बनाऊंगी राइस, प्लेन राइस बना रही हूँ मैं, कुकर में बनाती हूँ, गैस बचता है। मैंने खाना परोस दिया है, ये हमारा सांभर है, साथ में थोड़ी दही है, ये वो टमाटर वाली चटनी, चावल बना दिए थे इसमें थोड़ा घी ऐड किया, ये मेरे पापा जी की थाली तैयार की है, ये मेरी और विहान की, अगर विहान खाएगा तो इसमें भी दही है, सांभर है, ये चटनी है और राइस है। पापा जी को उनकी थाली जाके दे आती हूँ और विहान को नीचे ले आऊँगी। लो पापा जी आपका खाना आ गया। ज्यादा खाए चावल ही हैं। और ये क्या अंडे बना रखे आपने, इसने कुछ खाया भी आने? ये अंडा इतना इसने खाया, आपने खाया है? बेटा थोड़ा सा ले ले, खा लेना, फिर एक अंडा आप रख लो, खाने के साथ ले लेना ना। तो ये अंडे पापा जी ने उबाले होंगे, चले भी हाँ नीचे। मैं भी एक अंडा ले लेती हूँ, साथ में खाने में एक रख देते हैं। हमारे पड़ोसी ना पानी भरना भूल गए कल, तो पीने का पानी नहीं होगा, तो मैं अभी आरओ से चलाया है, मैंने आरओ में से भर के दे रही हूँ। मैंने ना दिसंबर के मिड में है ना राशन खरीदा था करीबन 12,000 का, और वो राशन मेरा अभी तक रखा हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई आ गया, मई का भी 10 तारीख हो गई, मतलब करीबन 5 महीने हो गया मेरा राशन में। अभी भी काफी कुछ है यहाँ पे, आप देखोगे ना चावल अभी भी रखा हुआ है, ऐसे थोड़ा बहुत राशन बाद में दोबारा मंगवाया है मैंने, जैसे आटा हो गया, तेल हो गया, तेल तो खत्म हुआ था, थोड़ा छुटपुट, बट कुछ चीजें अभी तक रखी हुई हैं, जैसे सोयाबीन लाई थी वो रखी हुई है, मैगी नूडल्स अभी भी रखे हैं, दालें खत्म हो गई हैं लगभग, बस एक चने की दाल बची हुई है। और अभी मैंने ठान रखा है जब तक मेरे घर का लोन पूरा नहीं चुकता तब तक मैं राशन वगैरह किसी भी चीज पे कोई खर्चा नहीं करूंगी ज्यादा। आपने भी नोटिस करी होगी ये चीज निधि की, कि जब निधि के पास खुला पैसा आता था वो खुला खर्चती थी, जब निधि के पास थोड़ा पैसा कम हुआ तो वो देख देख के खर्चती है। यही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि देखो जब हो आपके पास तब खर्चो, जब नहीं है तो उसे जमा करो, है ना। तो अभी मैं बहुत देख देख के पैसे खर्चती हूँ। और आज के टाइम में देखो, ये देखो ये है मेरी असली दोस्त, अब ये किताबें है ना रखी है यहाँ, देखो इन किताबों से दोस्ती कर ली है मैंने, इन बुक से, ये नीचे जो किताबें रखी हुई हैं देखो सबसे नीचे है ना, खाली टाइम हो इन ये पढ़ लो बैठ के, इनमें अपना थोड़ा दिमाग खपाओ डेली आधा घंटा एक घंटा, आपको पर्सनल ग्रोथ भी होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो अच्छा मैंने अपनी जिंदगी में ना अब ये हो गया कि देखो अब सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान से सहारा मांगती हूँ, बस भगवान जी साथ दे। अगर आपको अपने मन में कोई बात भी हो ना तो मैं भगवान जी के सामने रख लेती हूँ कि भगवान जी आप मेरा ये पूरा कर देना, मेरी ये बात सुन लेना, है ना। तो यही सबसे बेस्ट है। तो अब मैं बुक्स बहुत पढ़ा करूंगी और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दूंगी, थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करना है अब मुझे। और कल ना मैं एक रील देख रही थी,
ये है ना, ये सिल्वर प्ले बटन ही पीछे रखा हुआ है, देखो ये टाइगर के ऊपर है ना, ये इधर मंदिर की साइड, तो इसके ऊपर किसी ने इतनी बढ़िया रील बना रखी थी, मुझे इतनी पसंद आई, मैं सोच रही थी काश मैं भी वो रील बनाती, बट अब क्या बनाऊं, क्योंकि ये सिल्वर प्ले बटन मुझे मिला था आज से 1.5 साल पहले, है ना, 1.5 से भी ज्यादा हो गया टाइम, मतलब यूट्यूब पे आने के करीबन 6 महीने बाद मुझे मिल गया था सिल्वर प्ले बटन। तो उस टाइम तो नया नया था, तब रील बनाती तो अच्छी लगती, अब क्या रील बनाऊं, है ना। पता क्या रील थी, सिल्वर प्ले बटन को हाथ में लेके ना एक लड़की डांस कर रही थी, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, तेरा क्या होगा सोचो, आगे मुझे आता नहीं गाना, है ना। तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना पॉजिटिविटी मिली, मतलब वो लड़की ये कह रही थी उस रील के थ्रू कि अभी तो सिल्वर प्ले बटन आया है, आगे देखना गोल्डन प्ले बटन भी आएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको लगता है कि कभी लाइफ में मुझे गोल्डन प्ले बटन मिलेगा? गोल्डन प्ले बटन मिलता है 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब, और मेरे अभी 1.5 लाख भी होंगे जाके 1-2 महीने में, तो 1.5 लाख से 10 लाख का सफर क्या निधि शर्मा तय कर पाएगी? क्या यहाँ जो सिल्वर प्ले बटन रखा हुआ है इसी के आसपास कभी लाइफ में गोल्डन प्ले बटन लग पाएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबने देखना हमारा पर हमारा अधिकार है, सबने हम देखेंगे, मेहनत करेंगे, पूरे भी हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो कोशिश तो करी। शाहरुख खान की एक लाइन थी ना कल, मैं देख रही थी कि वो पूरी 100% देते हैं जब भी फिल्म बनाने लगते हैं। फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, वो थर्सडे की रात तक काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते कभी भी, और वो कह रहे थे 4 घंटे सोते हैं सिर्फ शाहरुख खान, उन्होंने खुद अपना उसमें इंटरव्यू में बताया 4 या 5 घंटे, इससे ऊपर वो कभी सोते ही नहीं है, सोचो वो कितना काम करते होंगे, है ना। तो वो बता रहे थे कि वो ना जैसे फ्राइडे को उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वो थर्सडे तक इतना काम करते हैं, फिर जब फ्राइडे आता है ना उसके बाद सैटरडे को वो 2 घंटे ना नहाते हैं, मतलब बाथ टब में थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, और मंडे से अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लग जाते हैं काम पे, जो हो गया उसके बाद वो परवाह नहीं करते कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, है ना, फिल्म अच्छी गई नहीं गई, यही मेरी लाइफ का उसूल है। जो चला गया यूट्यूब पे मैं बाद में नहीं सोचती उसके ऊपर, है ना, क्योंकि जो जा चुका, जो तीर कमान से निकल गया उसके बारे में क्या सोचना, हम फिर आगे का सोचते हैं। मेरा शुरू से यही उसूल, मुझे ये बात किसी ने सिखाई थी जब मैं यूट्यूब पे आई थी कि देखो जो चला गया सो चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे का देखना है, हमें फोकस करना है अब आगे पे। एक वीडियो आपका चला गया, उसमें आपको अपना काम पसंद नहीं भी आया, बाई चांस लगा कि नहीं कोई कमी रह गई या अच्छा नहीं है, मैं डांस अच्छा नहीं कर रही, मैं कैटवॉक अच्छी नहीं कर रही, मैं अच्छी नहीं लग रही, अरे जो गया सो गया, उसके बारे में 1 मिनट भी मत सोचो, अगले काम पे लग जाओ, अगली वीडियो में क्या, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, ऐसे काम करना चाहिए इंसान को, इसी तरीके से मैं काम कर रही हूँ। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।